चुरू में NH-52 पर आपड़ो पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को कंटेनर और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में कंटेनर ड्राइवर की केबिन में फंसने से मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको बाहर निकाल कर तलाशी ली तो कंटेनर में 35 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। शराब पंजाब से तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे। DSP राजेंद्र बुर्डक ने बताया कि गुरुवार सुबह सूचना मिली थी कि NH-52 पर आपड़ो पेट्रोल पंप के पास कंटेनर और ट्रक की भिड़ंत हुई है। मौके पर जाकर देखा तो कंटेनर ड्राइवर केबिन में फंसा हुआ था, जिसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से सबको बाहर निकलवा कर मर्चरी में रखवाया है। इसके बाद कंटेनर की तलाशी ली, जिसमें अंग्रेजी शराब के कार्टन भरे हुए थे। कोतवाली पुलिस के CI महेंद्र कुमार चावला ने मामले की जांच करते हुए देखा कि कंटेनर में पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के 665 कार्टन भरे हुए थे, जिसमें दो ब्रांड की अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। DSP बुर्डक ने बताया कि पुलिस की ओर से पकड़ी गई शराब की बाजार कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस कंटेनर के नंबर के आधार पर उसके मालिक की तलाश कर रही है। DSP ने बताया कि उक्त अवैध शराब पंजाब से गुजरात तस्करी होनी बताई जा रही है। हादसे में कंटेनर ड्राइवर हरिकन का थान मेठड़ा खुर्द बाड़मेर निवासी ओम प्रकाश की मौत हो गई थी, जिसका शव अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। एक्सीडेंट हुआ था कैंट रोड ट्रक में, कैंटर चालक की मृत्यु हो गई। उस कैंटर में अवैध शराब पाई गई है। अवैध शराब के 665 कार्टून मिले, जिनकी अनुमान कीमत राजस्थान में लगभग 35 लाख रुपए। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।